हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सेलजा ने कहा कि चोरी छिपे महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाली बीजेपी का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। साथ ही सेलजा ने कहा कि हरियाणा में खरीद घोटाले की आवाज कांग्रेस ने उठाई है। शैलजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने देखा कि किस तरह से चोरी रास्ते से आकर इन्होंने सरकार बनाई। सुबह सुबह जिस समय लोग उठ भी नहीं रहे होंगे, इन्होंने अपनी शपथ दिलवाई। अभी ये भी नहीं मालूम है कि इनके साथ कितने MLA हैं, ये भी नहीं मालूम। और आपने देखा, शरद पवार जी ने भी बोला कुछ MLA जो वहाँ पर जिनको भ्रांति से लेकर गए, कुछ वापस भी आ गए। तो ये जो सत्ता का लोभ है भारतीय जनता पार्टी का, किसी भी कोई प्रिंसिपल्स इनके सामने नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सत्ता का लालच जिसको आपने हरियाणा में देखा और आज महाराष्ट्र में जिस तरह से किया, ये तो अति हो गई है सत्ता। ये चोरी चोरी चुपके चुपके सरकार बनाने का जो अंदाज है, पूरा देश इसे किस तरीके से देखे, पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि इनका सत्ता का लालच कैसा है कि कोई भी हर चीज को इन्होंने ताक पर रख दिया है, हर चीज को ताक पर रख दिया है। और कैसे सुबह चोरों की तरह जाकर जो सरकार बनाएगा, वो देश का प्रदेश का क्या कल्याण करेगा, आगे जनता इनको जवाब देगी, आप देखिएगा। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारे सारे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और लेकिन जहां सत्ता की बात आती है, ऐसा लोभ है इनका, ऐसा लालच है इनका कि लोकतंत्र को तो इन्होंने ताक पे रख दिया है, हर तरह के असूलों को इन्होंने ताक पे रख दिया है। केवल लालच के लोभ में सुबह सुबह जाकर चोरी छिपे इन्होंने शपथ ग्रहण की। अब कितने दिन चलेगा, ये सामने आ जाएंगे। हरियाणा में धान खरीद घोटाले से सरकार इनकार कर रही है, और कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री वो ये बात कह रहे हैं कि हमने तो एहतियातन कार्रवाई की है, हमें किसी तरह के आरोप जो है विपक्ष की तरफ से नहीं लगाए गए। धान खरीद घोटाले से एक तरीके का इनकार। हरियाणा में जब ये भी अपनी सरकार बनाने के लालच में इधर उधर दौड़ रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे इनकी नाक के नीचे, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि धान की खरीद ढंग से नहीं हो रही, हमने उस वक्त भी कहा कि घोटाला हो रहा है। और जब हमने इस बात को जोर से उठाया, सभी लोगों ने इस बात को देखा, तो अब ये क्या दिखावा कर रहे हैं। जिन अधिकारियों ने ये सारे गलत काम किए इनकी नाक के नीचे, आज उन्हीं को भेज रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो कौन पकड़ेगा। ये तो इतना बड़ा घोटाला है, सरकार अपने अपने आप को ही छुपाने के लिए ये कुछ भी दिखावा करते हैं। लेकिन इस बात को आप मानेंगे कि प्रेशर कांग्रेस पार्टी से पड़ा है इनके ऊपर, तब ये दिखावा करने चले हैं। लेकिन ये घोटाला बहुत बड़ा है, इन्होंने हमेशा हरियाणा के किसान को, मजदूर को लूटा है, और आज भी ये उसी में एक ये और कड़ी। यमुनानगर में माइनिंग माफिया की बात से भी इनकार कंवरपाल गुर्जर कर रहे हैं, साफ ही कह रहे थे कि माफिया जैसा हरियाणा में अब कुछ नहीं है माइनिंग को लेकर। सारा हरियाणा जानता है कि कैसे इलीगल माइनिंग हो रही है वहां भी और जगह पर भी, और ये किसके संरक्षण में हो रही है, बिना सरकार के ऐसा हो सकता है क्या? ये तो सैटेलाइट इमेज भी दिखाती है बार बार, लेकिन हर चीज पर पर्दा डालना है। भ्रष्टाचार में ये पूरी तरह से लिप्त है ये सरकार, और यही कारण था कि ये 75 पार 80 पार की बात करते रहे, लेकिन हरियाणा के लोगों ने इन्होंने बिल्कुल इन्हें नीचे कर दिया, सरकार नाकार दिया, सरकार बनने के ये कहीं करीब भी नहीं थे, लेकिन जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे इन्होंने बनाया है। ये पर्दा हटाने का काम कांग्रेस करेगी, कांग्रेस करेगी। कांग्रेस चाहे सदन में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे विधानसभा में हो, हमने दोनों जगह बातें उठाई हैं, चाहे सड़कों पर हो। आज के दिन हरियाणा के हर जिले में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के लोगों ने इनकी गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है, और जब जब हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर के हम दर्द को समझते हैं, उनके लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, सारे कांग्रेस जन हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर लोगों के लिए सड़क पर उतरने को तैयार। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। साफ तौर से कुमारी शैलजा यहाँ पर गंभीर आरोप सरकार पर लगाती नजर आ रही है माइनिंग को लेकर, उसके साथ ही धान खरीद घोटाले को लेकर भी बेहद संगीन आरोप यहाँ पर सरकार पर कुमारी शैलजा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।